हापुड़ के ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, प्रधान पर लगाए आरोप। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रही है, लेकिन उससे पहले ये अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। मामला जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव जखेड़ा रहमतपुर का है, जहां पर साफ सफाई न होने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का अभियान जारी है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ग्राम प्रधान ऐसे हैं जो सरकार के स्वच्छता मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गढ़मुक्तेश्वर तहसील के गांव जखेड़ा रहमतपुर का सामने आया, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए हैं कि ग्राम प्रधान द्वारा गांव के अंदर साफ सफाई नहीं कराई जा रही व गांव की नालियों से निकले हुए पानी की नाले में सही तरीके से निकासी नहीं हो पा रही। नाला कूड़े कचरे से भरा हुआ है, जिसके चलते गंदगी का अंबार लगा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी के चलते हुए मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान से शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा। कौन सा गांव है ये? जखेड़ा रहमतपुर। क्या समस्या है आपकी? समस्या कह दी, एक तो नाले की सफाई वफाई नहीं हो रही, हमारे गांव में आज तक भी नहीं कराई। मेरे घर के सामने मच्छरों का इतना अंबार हो रहा है, आज क्या आधे आज तो परिवार में बीमार पड़े हैं, सब बच्चे बड़े। तो किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो अभी तक नहीं हो पा रही हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, और क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान का नाम है जी सुरेश चंद। वो इधर को तो कभी झांकते भी ना जी, ना कभी देखा आया कह जी क्या हो रहा क्या ना हो रहा, यह है जी सारी कहानी। तो ये जो तालाब है इसकी सफाई वगैरह की गई है? सफाई क्या करिए जी, इसका कबाड़ा और इसी में दाब दिया, खुदाई नहीं हुई जी एक परसेंट भी इसकी, इसे कबाड़ा और दाब कहीं से छोटी और कर दी, और पानी जाने के लिए नाले का वो रास्ता मुंह बंद कर रखा उसका, तो मतलब पानी घरों में भर रहा है जी। आज यहाँ नलों की लैट्रीनों में नलों में के पाइपों में पानी जा रहा तमाम, यह है जी। और ग्राम पंचायत जखेड़ा रहमतपुर है ये, इसमें समस्या ये है जी, गाँव में ग्राम प्रधान के माध्यम से पैसा भी आता है ग्राम पंचायत निधि का, लेकिन कोई भी यहाँ पर विकास नहीं हो रहा, ना सफाई हो रही है। अब हम यहाँ नाले पर खड़े हैं, नाले पर इतना बुरा हाल हो रहा है, गंदगी इतनी अंबार लगा पड़ा है, और कितनी बार प्रधान जी से कह दिया कि जी गांव में सफाई करा दें, लेकिन सफाई नहीं हो पा रही है, और काफ़ी शिकायतें भी की हैं हमने, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो रहा। क्या नाम प्रधान जी का? प्रधान जी का सुरेश चंद है जी नाम। अच्छा, तो लगभग 1.5 साल का कार्यकाल होगा, अभी तक कोई विकास गाँव में कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी ना कोई काम हुआ है गांव में, ना ही कोई विकास हुआ है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान इसे देखने तक के लिए यहां पर नहीं आते। ग्राम प्रधान द्वारा तालाब की सफाई तो कराई गई, मगर मिट्टी नहीं निकलवाई गई, जिसके चलते नालों का पानी तालाब तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते पूरे गांव की नालियां व नाले ब्लॉक हो गए हैं। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हापुड़ हलचल।